के सजाओ प्यार से प्यार आके सजाओ मधुर मिलन गावत आज गुइया सुने नहीं मिलाओ नैन सुने पचास से साठ के दशक तक में हिंदी और बंगाली फिल्मों के दरमियान हेमंत दा इतने बिजी हो गए थे, मुझे लगता है कि उस दौर में उतना व्यस्त हिंदी और बंगाली में एक साथ शायद ही कोई कलाकार हुआ। यहाँ हिंदी के गाने की रिकॉर्डिंग
मुंबई में, वहाँ जाते कोलकाता में बंगाली गानों की रिकॉर्डिंग। कई बार तो ऐसा होता था कि हेमंत दा यहाँ एक गाना रिकॉर्ड करते थे और यहाँ से जाते थे कोलकाता और वहाँ से गाना रिकॉर्ड करके दूसरे दिन दोबारा यहाँ मुंबई आते थे, फिर कोलकाता जाते थे। और स्पेशली एयर इंडिया ने उनको सबसे बढ़िया पैसेंजर का अवार्ड भी दिया था, कुछ पासिस भी उस वक्त दिए थे। इतने बिजी हो गए थे कि उनके डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था मुंबई में और डेंटिस्ट इनको फ़ोन करता था, दादा कब आ रहे हो। इनको दर्द होता था फिर भी गाने की रिकॉर्डिंग पेन किलर वगैरह खा लेते थे। एक गाने की रिकॉर्डिंग पे कुछ डेढ़ दो घंटे लाइट नहीं थी तो वो डेढ़ दो घंटे का इस्तेमाल करके ये जाकर डेंटिस्ट से मिल के आए और उसे ट्रीटमेंट लेकर आए। तो इतने बिजी शेड्यूल वाले हेमंत दा का एक और प्यारा सा गीत। उसके बाद में अगर मुझे लगता है कोई बंगाली कलाकार या म्यूजिक डायरेक्टर इतना बिजी हुआ है तो बपीदा। 80 के दशक में बपीदा इतने बिजी हो गए थे बाबा 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 बाबा। लेकिन उनका बिजी होने का और म्यूजिक देने का अंदाज निराला था। शुरू शुरू में अच्छा म्यूजिक दिया लेकिन जैसे ही मिथुन दा उनको मिले और फिल्म सुरक्षा बनाई, सुरक्षा के बनते ही हिंदी फिल्मों का संगीत असुरक्षित हो गया, ये कहा जा सकता। चलिए, हेमंत दा के बिजी शेड्यूल के दरमियान 1957 में बनाया गया ये बहुत ही प्यारा गीत लता जी का गाया हुआ फिल्म चंपा कली से आपके लिए पेश करते हैं।